हेलो फ्रेंड, मेरे खा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आज मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला सुबह के टाइम वीडियो बनाने का, जो मैं इतने फूलों को आपको नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं काम से थोड़ा सा लेट फ्री हो पाती हूँ। ये 10-11 बजे तक ये सभी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मेरे गार्डन में बिल्कुल फ्री के इतने सारे फूल होते हैं कि मुझे इतना कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने गार्डन का टेरिस का ओवरव्यू दिखा रही हूँ, ये फोर्चुला का, और ये सब कटिंग से ही लगाया है। बहुत तेज़ धूप हो रही है क्योंकि धूप की वजह से ये जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो जो मैंने छोटे छोटे पॉट में जो लगा रखे हैं नीचे बालकनी में, वो मैंने कल शाम तक भी थे 4 बजे तक, क्योंकि वो छाया में थे तो इतनी जल्दी नहीं गए। और ये थोड़ा धूप में होते हैं तो ये जल्दी से गायब हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं जल्दी। और ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैं इसमें बिल्कुल फ्री का लिक्विड फर्टिलाइजर ही डालती हूँ। और अच्छा भी लगता है कि कोई चीज़ हम बिल्कुल फ्री में करते हैं, सिर्फ थोड़ा अपने पेड़ पौधों को ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। नहीं फ्रेंड, ये मैंने बीसी ग्रो किया था कनेर, और इसका फूल का कलर बहुत डार्क कलर आया है। और इसका जो मदर प्लांट है और जो और पौधे हैं इसके साथ के, उनके लाइट है, और ये हो गया है डार्क। अब मेरे पास 2 कलर के हो गए हैं। और मैंने ये मॉस रोज तो ये कटिंग से ही लगा रखी है। ये सब ये नया ही किया है, कटिंग की है अभी, तो ये अभी 10 दिन पहले इसमें लगा दिया है। ये वाला कलर मेरा बिल्कुल गायब से हो गया था, और वाइट कलर भी मेरे पास नहीं है। तो वाइट कलर की मुझे पिछले साल मैंने लगाया था, तो उसके फूल नहीं आ रहे थे, मैं भूल ही गई कि किस पॉट में था क्योंकि वो कटिंग से ही लगाया था। तो इस साल वो मुझे मिल गई, एक दिन फूल खिला हुआ था तो उसको कटिंग करके लगा तो दिया है, पर अब दोबारा उस पर फूल नहीं आए अभी। और ये देखो मैंने छोटे छोटे पोटों में लगा रखा है इसको, तो सब बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर में। और ये हमारे यहाँ रात को बारिश आई थी तो ये नेट कल मैंने बच्चों की वजह से खोल दिया था कि बच्चे पतंग वगैरह उड़ाएंगे, तो ये उसकी बारिश की छींटे हो गई हैं। अगर हमारे पौधे के ऊपर कोई भी ख़राब फूल रहता है तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर अगर वो रहता है या तो वो गिर के फंगस करेगा पौधे में, और या वो बीज बनाएगा तो हमारे फूल कम हो जाएंगे, तो बीज बनाता ही रहेगा। तो ये सारे मैंने गुदावरी की कटिंग लगाई है, और क्रोटोन लगाया है, और 2-3 फाइकस की लगाई है। फ्रेंड, ये स्टैंड में मैंने पहली बार लगाई है फाइकस। मैंने जब पहले ग्रो की थी कटिंग फाइकस उसकी क्रोटोन की, तो वो मैंने मिट्टी में ही लगाई थी जैसे अपने गमलों के लिए बनाते हैं ऐसे में। और ये मैंने सब इस तरह से लगा रखे हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये टोपी मैं बहुत सस्ती से लेके आई थी, पर अच्छी है, जितनी सस्ती है उस हिसाब से मुझे सही लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं इसलिए हटा रही हूँ कि यहाँ से अगर वो नई ग्रोथ होगी तो उस पर कलियाँ और आ जाएंगी। और इनका कलर किसी किसी का तो बहुत प्यारा कलर आ रहा है। अब मुझे इसका और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक का और
पीले का, पीला और भी मैंने कटिंग से सारा लगा रखा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है ये मुझे। और ये ट्रे मैंने ऐसी लगा दी, ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी, फेंकने का दिल नहीं किया तो मैंने इधर ही लगा दिया इसको। और आज सुबह ही मैंने नेट लगाया है कि बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, अगर नहीं हटाते तो अच्छा नहीं लगता, तो उस पतंग की वजह से कल मैंने नेट खोल दिया था। फूल भी मेरे पर्सलेन पे और फॉर्चुला पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ये फ्रेंड मैंने रिपोर्ट किए थे, ये तो मैंने आपको दिखाए थे ना, अभी मैंने ये छाया में रखे हुए हैं ग्रेनाइट के नीचे। ये भी मैंने, इसको भी मैंने अलग कर करके ही किया है। ये दो थे, एक जो डिस्टम्बर की छोटी बाइक डब्बा होता है 1 किलो वाला, उसमें इसलिए मैंने अलग कर दिया एग्लोनिमा का। कुछ पौधे मैंने यहाँ से हटा के रिपोर्ट किए थे तो इसलिए जगह खाली है। और फ्रेंड मेरे ये गुड़हल पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं अपने गार्डन के लिए इतना कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करती, बस ज़्यादा देखभाल करती हूँ पर खर्च इतना कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। और जो भी करती हूँ मैं ऑर्गेनिक घर का ही यूज करती हूँ। और ये मैंने इसमें लगा दिया स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट के मेरे पास 3 हो गए, एक ये वाला और एक छोटा, तो 3 तरह के। फ्रेंड में कभी मैंने सब्जी वगैरह नहीं उगाती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि आप वेजिटेबल भी उगाया करो, तो मैं वेजिटेबल मैंने कुछ ऐसा नहीं उगाया, मेरे यहाँ पे उसके बीज रखे थे करेले के, तो मैंने वो ही ग्रो कर दिए थे, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये करेले की बेल है फ्रेंड, इसमें देखो पानी डाला था और ये बिल्कुल देखो ऐसे मुरझा रही है क्योंकि धूप ज़्यादा है, और ये बहुत नाजुक होती है, अगर इसको एक टाइम भी पानी ना मिले तो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और ये तो आपने देखा ही था मेरा फ्रिज का, मैंने वो बनाया है ये स्टैंड, छोटी वैरायटी में मेरे पास नहीं, ये छोटी का नहीं है, ये बड़ी का है। फ्रेंड इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये जो बीज इसमें ये वाले हैं ये किस चीज़ के हैं, पर डाले तो मैंने ही थे, मैं भूल गई। और ये बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं, मैंने 3-4 पौधे इसको अलग से करके भी लगा दिया है। ये वाले आप बताना कि ये किस चीज़ के हैं, एक होता है सूरजमुखी की तरह जो फूल होता है, पिछले साल मेरे गार्डन में था, उसके बीज तो मैंने ग्रो किए हैं। अब ये फ्रेंड शायद जैसे कलियां खराब मुरझा जाती हैं तो उसके जो बीज होते हैं तो मैं ऐसे ही डाल देती थी, तो ये वो ही लग रहा है मुझे, पर मैं इसका नाम भूल गई हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ के बीज हैं। और इसी पॉट में मेरी तुलसी जी भी लगी हुई है,